नमस्कार दोस्तों दोस्तों सलार मूवी देखा जाए ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हिट हो गई है। ऐसे में अब जो इसका कलेक्शन निकल करके आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा देखने वाला है, क्योंकि अब इसका जो कलेक्शन है वो बड़ी बड़ी मूवियों के रिकॉर्ड तोड़ते भाई दिख रहा है। ऐसे में मेकर्स की तरफ से जो रिपोर्टें आ रही हैं वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अचंभित कर रही हैं, और मेकर्स की जब मैं रिपोर्ट बताता हूँ कलेक्शन को तो लोग मेरे कलेक्शन पर विश्वास नहीं करते हैं और कमेंट में बोलते हैं कि तुम कलेक्शन गलत बता रहे हो। तो आज जो मैं सलार का आपको कलेक्शन बताऊंगा वो कलेक्शन मैं आपको सबूत के साथ बताने वाला हूं, इसीलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे मेरा वीडियो उतना ही ज़्यादा लोगों के पास बढ़ाया जाएगा और उन लोगों को भी सलार का जो ओरिजिनल कलेक्शन है वो मालूम चलेगा। तो ऐसे में आप वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखा जाए दोस्तों सलार मूवी ने अपने 13वें दिन यानी कि सेकंड बुधवार वाले दिन 6 करोड़ का कलेक्शन किया है और इसका जो टोटल नेट कलेक्शन हो गया वो हो गया है 375 करोड़ रुपए। वहीं अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें जो कि देखा जाए सबसे भरोसेमंद जो वेबसाइट है वो सैनिक है, और उसके हिसाब से इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना हो रहा है आप देख सकते हैं, 575 करोड़ रुपए हो रहा है। और ये जो रिपोर्ट है सिर्फ 12 दिन की है, 13 दिन की नहीं, 12 दिन के हिसाब से 575 करोड़ रुपए हो रहा है। अब सोचिए दोस्त, देखा जाए दोस्तों जो मेकर्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, जो ट्रेड एनालिस्ट की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, उसके हिसाब से 100 करोड़ का फर्क है, ये तो आप लोगों को मालूम है। ऐसे में अब आप सोच लीजिए, अगर ट्रेड एनालिस्ट की तरफ से 575 करोड़ है तो मेकर्स की तरफ से दोस्तों जाहिर सी बात है इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 675 करोड़ तो हो ही गया होगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसके 13वें दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, जो 13वें दिन का इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रिपोर्ट निकल करके आ रही है वो आ रही है 10 करोड़ रुपए की। ऐसे में अगर हम 575 में 10 करोड़ और जोड़ दें तो कितना बनता है जा करके 585 करोड़ रुपए, और मेकर्स की तरफ से कितना बनेगा जाकर के 685 करोड़ रुपए, क्योंकि 100 करोड़ का शुरुआत से अंतर चला आ रहा है। ऐसे में अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज इसके 14वें दिन की कि आज ये मूवी कितना कलेक्शन कर सकती है। दोस्तों देखा जाए आज गुरुवार है, ऐसे में जो इसकी एडवांस बुकिंग निकली है वो निकली है 60 लाख रुपए की, यानी कि एडवांस बुकिंग ठीक ठाक है, क्योंकि कल की बात करें तो कल भी इस मूवी की एडवांस बुकिंग 60 से 70 लाख निकली थी। ऐसे में अगर कल इस मूवी ने 6 करोड़ कमाया है तो आज जाहिर सी बात है कि यह मूवी बड़े आराम से 5 करोड़ का तो कलेक्शन कर लेगी, और अगर 5 करोड़ कर लेती है तो इसका नेट कलेक्शन कितना हो जाएगा, 380 करोड़ रुपए। और वहीं अगर हम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो कहाँ कल जहाँ इस मूवी ने 10 करोड़ कमाए थे तो आज ये मूवी 8 से 9 करोड़ तो कमा ही लेगी, और ये इतना कर लेगी तो इसका जो कलेक्शन है वो कितना हो जाएगा, 595 करोड़ रुपए, और वर्ल्ड वाइड के हिसाब से 695 करोड़ रुपए। यानी कि जो ट्रेड एनालिस्ट की रिपोर्ट है उसके हिसाब से इसका जो कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड बन रहा है 600 करोड़ रुपए, और जो मेकर्स की तरफ से कलेक्शन है वो उससे बन रहा है कि ये मूवी 700 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है। और मैंने आपसे कहा ही था मेकर्स फ्राइडे या सैटरडे तक हो सकता है कि 700 करोड़ का पोस्टर दे दे, ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है मेकर्स आज या कल तक 700 करोड़ का पोस्टर दे सकते हैं। और दोस्तों अगर मेकर्स ने 700 करोड़ का पोस्टर दे दिया ना तो यकीन मानिए सलार मूवी जो रिकॉर्ड तोड़ेगी ना वो रिकॉर्ड दोस्तों मुझे बताने में आपको काफ़ी ज़्यादा मजा भी आने वाली है। ऐसे में जो सलार के फैंस हैं मैं चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि मेरा वीडियो आगे तक पहुँचे, उन्हें भी मालूम चले कि इंडिया ट्रेड की क्या रिपोर्ट आ रही है और मेकर्स की तरफ से क्या रिपोर्ट आ रही है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए करिए। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।